मधुबेन अभी तक नहीं लौटे, पूरा दिन खत्म होने चला। एक काम करती हूँ, उनके कक्ष में देखती हूँ कहीं कोई ऐसा सुराग मिले जिससे उनके इरादों के बारे में मुझे पता चल जाए। मेरे कमरे में? आप भूल रही हैं, ये घर मेरा है। मैं अपनी स्वेच्छा से किसी भी कमरे में प्रवेश कर सकती हूँ। वैसे आप दिन भर गायब थी, कहाँ गई थी? वो मैं मंदिर गई थी विवान जी। दोपहर में कौन सा मंदिर खुला रहता है? वो हमारी कुलदेवी है ना, और उनका मंदिर जरा शहर से बाहर है, इसीलिए आने में देरी हो गई। वैसे विवान जी, आप यूं सवाल जवाब करके मेरी परीक्षा क्यों ले रही हैं? ताकि मैं आपको और आपके इरादों को अच्छी तरह से परख सकूं। मधुबेन जी, विवान जी, क्या मैं जान सकती हूँ कि इस तस्वीर में ऐसा निशान क्यों बनाया है? विवान जी, असल में मेरे पास कॉपी दिख रहा कि यही तस्वीर थी, इसलिए मैंने बड़े प्यार से उसके चेहरे के चारों ओर ये निशान बनाया है, जिससे मैं जब भी ये तस्वीर देखूं तो सबसे पहले मेरी गोपी दीकरा का चेहरा मेरे सामने आए। माफ करिए देवान जी, आपको नहीं लगता कि आप आजकल मेरी हर बात को शक की नजरों से देख रही हैं? आपसे विनती करती हूँ देवान जी, आप मुझ पे शक करना बंद करिए। ये एक ही तस्वीर है आपके पास गोपी वो की? हाँ भगवान जी, मेरी गोपी की सिर्फ मेरे पास एक यही तस्वीर है। आज का दिन इसका मुंह देख के शुरू किया मैंने। गौरा के घर गई तो वहां जाके जूते खाने पड़े, चप्पल से पिटाई हो गई। यहाँ तो कोकिला की बातें, कोकिला की बातें तो गौरा की चप्पल से भी ज्यादा चुभती। गोपी बहू ने मुझसे कहा था कि मधुबेन के हाथ से गिरी हुई तस्वीर जिसमें गोपी बहू और राधा की फोटो थी, उसे देखकर गोपी बहू मधुबेन को घर लेकर आई थी। तो फिर मधुबेन ने ऐसा क्यों कहा कि उनके पास ये एक ही तस्वीर है? गड़बड़ है, नक्की गड़बड़ है। डियर सोना, तुम्हें पता ही होगा कल मैं और समर शादी के लिए लड़की देखने वाले, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो।
मुझे तुम में अपना जीवन साथी नजर आता है। I love you so much, सोना। इसलिए मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। इस खत के साथ भेजा गया एड्रेस कल अगर तुमने पहन लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी हाँ है, और फिर मैं खुद जाकर बड़ी मॉम से हमारे रिश्ते की बात करूंगा। तुम्हारा नहीं, तुम्हारा हूं या नहीं, अब इसका फैसला तुम्हें करना है। फिलहाल के लिए सिर्फ साहिर। आई होप कल सोना ये ड्रेस पहन ले। कल लड़की वाले आने वाले हैं, हम मिल लेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि ये रिश्ता जोड़ना है या नहीं। क्या कर रही है सोना? ना खुद सो रही ना मुझे सोने दे रही है। बदन दर्द के मारे बुरा हाल है, सर फटा जा रहा है, सो जा चुपचाप। तो मैं क्या करूं? मैंने तुझसे कहा था मंदिर जाने के लिए, वैसे भी तुझे मेरी चिंता ही का। तुझे तो पता भी नहीं है कि आज पूरे दिन इस घर में क्या हुआ। क्या हुआ आज? वो साहिर और समर के लिए रिश्ता आया है। लेकिन तुझे तो बस अपनी नींद की पड़ी है ना, तू सो जा। है? साहिर समर के लिए रिश्ता आया? कब हुआ ये सब? क्या है? मैं तो कहती हूँ कि जो रिश्ता कल होना है ना वो आज हो जाए, मुझे क्या पड़ी। वैसे ये बड़े बड़े लोगों की बातें भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इनको तो कोई वो गिटर पिटर करने वाली अंग्रेजी मैडम ही चाहिए ना। मैं तो कहती हूँ कि जाकर लेके आए अपनी बहू बनाकर, मुझे क्या करना है। सोना जो कह रही है, अगर ये सच हुआ तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तो ये बात है, इसका मतलब साहिर भी सोना को पसंद करने लगा है। अब ये बात तो मैं साहिर के मुंह से गुलवा के ही रहूंगी। मधुबेन, अभी तुम्हारी नैया डूबी नहीं है, साहिर नाम का मांझी मिल गया है तुम्हें, वो तुम्हारी नैया पार लगाई देगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।